मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे बता सकती हो? असर क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, जब हमारे परिवारों में रिश्ता जुड़ेगा। आप ही ने तो अभी कहा कि मैंने जया के लिए मना किया, कृष्णा के लिए नहीं। शादी में वरदक्षिणा की महत्वपूर्ण रस्म होती है। वरदक्षिणा नहीं तो शादी भी नहीं। मैंने कहा था ना, जिस दिन ये इस घर से विदा होगी उसी दिन से इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये इस घर में वापस नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो कृष्णा, लेकिन साई ने तुम्हें द्वारका माई में आने से मना किया है। साई, मामी की तरह आप भी मुझे बहुत समझने लगे हैं। साई मेरे तरफ देखिए, ठीक है? मैं जा रही हूँ, दोबारा नहीं आऊंगी। साई, भोजन करेंगे अभी? अभी नहीं तात्या, अभी वक्त है। मैं समझ सकती हूँ बेटी, इतनी कम उम्र में तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन किसी भी दुख की वजह से जीवन कभी रुकना नहीं चाहिए। ऐसे अकेले सारा दिन यहां तो नहीं बैठी रह सकती ना, कुछ सोचा है आगे क्या करोगी? मेहनत करूंगी, काम करूंगी, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊं। लेकिन जैसी मेरी तकदीर है, पता नहीं मुझे कौन काम देगा। तुम चाहो तो मेरे घर काम कर सकती हो। हमें वैसे भी घर में काम करने वालों की जरूरत है, और तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से मैं तुम्हें कोई काम दे दूंगी, और तुम हमारे साथ हमारे घर में रह भी लेना। मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है? मेहरबानी नहीं, यूं समझ लो तुम्हारी मदद करके मैं अपनी मदद कर रही हूँ। हम लोग यहाँ शिरडी में नए नए आए हैं, घर के कामों के लिए, कपड़े के कारोबार के काम के लिए, वैसे भी हमें लोगों को रखना ही है।
देखो मना मत करना, मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ हमारे घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आओ कृष्णा, अब से तुम यहीं रहोगी, इसलिए इसे अपना ही घर समझना। साई ने भोजन किया? हाँ, साई ने भोजन स्वीकार कर लिया। ये कौन है? ये जिसकी भी मदद करोगी उसे ये मत बताना कि तुम ये मेरे कहने पर कर रही हो। इसका नाम कृष्णा है, इसे काम की जरूरत है और हमें इसे अपने यहां काम देना है। अब ये यहीं रहेगी। तुम क्या क्या काम जानती हो कृष्णा? घर गृहस्थी के सारे काम आते हैं। रंगों की कुछ समझ है? रंगोली तो बना लेती हूँ। कृष्णा ये देखो, इन सारी चीजों से इस थाल को सजाओ। सजाओ। तन तन तन
बन गई। वाह, कितनी अच्छी रंगोली बनाई तूने। रंगों की इतनी अच्छी समझ कैसे पाई तूने? रंगोली का आकार तो बना लेती हूँ, बस एक ही चीज है जो मुझे कभी समझ नहीं आती है, और वो ये है कि कौन सा रंग किस रंग के साथ अच्छा लगेगा और कौन सा नहीं। कृष्णा, रंगों का खेल सीखना है तो प्रकृति से सीखो। वो जानती है कि कौन सा रंग किस रंग के साथ अच्छा लगता है। हरे पेड़ों पर अलग अलग रंगों के फूलों को देखो, या उगते या ढलते हुए सूरज के साथ नीले आसमान का रंग, कभी नारंगी, कभी गुलाबी, तो कभी सुनहरा। अगर रंगों के बारे में कुछ समझना है तो प्रकृति की ओर देखो, प्रकृति से प्रेरणा लो, कभी गलत नहीं होगा। जी सर, धन्यवाद साईं। किसी ने सिखाया था कभी रंगों को समझने के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेना? तुम बहुत गुणी हो कृष्णा। तो सुनो, मेरा कपड़ों का कारोबार है और बाहर हम कपड़ों को रंगाई करने का काम करते हैं। तुम्हें रंगों की इतनी समझ है तो तुम कपड़ों की रंगाई में हाथ बटाओ। मेरा बेटा आदिनाथ वही है, चलो मैं उसे तुम्हें मिलवा देता हूं। चलो, मैं तब तक खाना लगाती हूं। Thank you.
आओ कृष्णा। देखो यह होता है हमारे रंगाई का काम। आओ कृष्ण। आदिनाथ। जी बाबा। कपड़े रंग रहा था या खुद को? वो ध्यान ही नहीं रहा बाबा। बेटा ये कृष्णा है, हमें जब तक रंगाई के लिए कोई नहीं मिलता ये तुम्हें मदद करेगी, और इसको रंगाई का काम अच्छी तरह से सिखा देना। सिखाना पड़ेगा? मतलब इसने रंगाई का काम इससे पहले कभी नहीं किया? एक बार सोच लीजिए बाबा, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक पूरा कपड़ा खराब कर सकती है। बेटा शिरडी में रंगाई का काम किसी को नहीं आता, हम जिसे काम पे रखेंगे उसको तो सिखाना ही पड़ेगा। तुम अपनी देखरेख में काम करवाना, कोई गड़बड़ नहीं होगी, और कृष्णा को रंगों की अच्छी समझ है। ठीक है बाबा, क्या नाम बताया इसका? कृष्णा। ठीक है, आज से अभी से काम शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये काम की जगह है, यहां गंभीर रहना जरूरी है, ध्यान लगा के रखना। और हां, बेकार की खीखी करना मना है। मैं बेकार में नहीं मुस्कुरा रही थी, वो आपके चेहरे पे रंग लगा था तो। अरे चलिए जल्दी कीजिए, मैंने खाना लगा दिया है, पहले खाना खा लीजिए फिर काम शुरू कीजिएगा। हाँ मुझे तो बहुत भूख लगी है। कृष्णा तुम भी हमारे साथ ही खाना खाना। तुम्हारी वो पोटली में कपड़े हैं ना, या मैं दूं? नहीं है। ठीक है तो चलो हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लो फिर खाना खाते हैं। चलो। जिसे भगवान माना वो पत्थर का निकला, और जहां इंसानों से उम्मीद ही नहीं रह गई थी वही जाना कि दुनिया में इंसानियत किसी भी भगवान से बड़ी है। तात्या मुझे भूख लगी है, जो भोग में लाया था वही लाना। जी साईं। लीजिए साईं। साईं आप खा क्यों नहीं रहे, कुछ और चाहिए आपको? साईं
कैसी अजीब बात है, जब तक उस पर आस्था रखी कई बार भूखा सोना पड़ा, आज उससे नाता तोड़ लिया तो पंच पकवान मिल रहे हैं। ईश्वर पर आस्था रख के मैंने सिर्फ असहाय होना सीखा। साईं जरूर कोई लीला रच रहे हैं किसी का उद्धार करने के लिए, वो चाहे जो भी हो। काश वो ये देख सकता कि साईं उससे कितना प्यार करते हैं। बाबा सब आपकी कृपा है, मुझे नौकरी मिली है बाबा, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, प्रबंधक के ओहदे में एक मील में बाबा। कृपा मेरी नहीं, तुम्हारे परिश्रम तुम्हारे कर्म की है विनोद। लेकिन तुम किसी चिंता में हो? मुझे बंबई जाना होगा बाबा, पहली बार शिरडी से बाहर, वो भी इतने बड़े शहर में, वहाँ बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना। मैं तो इस छोटे से गांव का एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, बंबई के नए वातावरण में मैं कैसे घुल मिल पाऊंगा? तात्या? जी साई। वहां वो खाली कटोरा है और उस कटोरे में दूध है, दोनों यहां ले आओ। तो ठीक है साईं। अब इसे पानी से भर दो। जी सही।
आत्या, वो दिया भी लाना। तेल पानी में तैर रहा बाबा, क्योंकि तेल पानी में घुलता नहीं है, ये उसका अपना स्वभाव है। अब देखो, दूध की बूंद पानी में अलग दिख रही है बाबा, लेकिन अब घुल रही है। पूरी घुल गई बाबा। समझ लो ये पानी तुम्हारे नए शहर का वातावरण, एक नई जगह है, और ये बूंदे हम। कुछ लोग तेल जैसे होते हैं जो नई जगह में आसानी से घुल मिल नहीं सकते अपने स्वभाव के कारण, और कुछ दूध जैसे जो शुरू में थोड़े से अलग नजर आते हैं लेकिन धीरे धीरे उस नए रंग के रंग में रंग जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अपना रंग उस नए वातावरण को भी दे देते हैं। ऐसे स्वभाव के लोग किसी भी समाज में घुल मिल सकते हैं। ये तुम्हें तय करना होगा विनोद, कि तुम तेल की भांति रहना चाहते हो या दूध की। कैसे बाबा? सब हम पर निर्भर करता है विनोद, कि हम एक नए माहौल में अपने डर, अपनी आशंकाओं को ही अटल अचल सत्य मान ले, ताकि हमें और बेहतर होने की जरूरत ही ना पड़े, या फिर उस नए माहौल को हम आगे बढ़ने का मौका समझे, नए लोगों से जुड़ने का, उनके बारे में जानने का, समझने का मौका समझे, और अपनी सीमाओं को विस्तार करने का मौका समझे। जी साईं, राम जी भला करे।